कपड़ा धुल देगा, आपको पूरा एक्शन कपड़ा धुल देगा और कितना कपड़ा कपड़ा देगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग गाइस। गाइस आज का व्लॉग सुबह 10:10 बजे स्टार्ट हो गया। अभी मैं जस्ट सो उठा हूँ, मैं फ्रेश व्रेश हो नहीं आऊँ गाइस। सो गाइस मैं कोशिश करता हूँ सुबह जल्दी उठने की, लेकिन कोशिश ही रह जाती है। तो गाइस अभी मम्मी नहीं है छत पे, शायद गेहूँ धुल लिया और कहती आज पेपर है तो पेपर देने के लिए गाइस सुबह 3 बजे उठ गई थी, पढ़ रही थी। तो गाइस मुझे क्या खाना बना है, रोटी और बैंगन की सब्जी है। तो गाइस आज मुझे अपना कपड़ा भी तय करना है, तय लगाना है। मैं तो ऐसे फेंक दिया था कपड़ा अलमारी में, मम्मी 3-4-5 दिन से बोले थे कि हटाओ। तो मैं कहा चलो हटा देता हूँ। तो हटा दिया, अभी अलमारी भी सेट करना है और मुझे जूता भी धुलना है, आज कपड़ा भी धुलना है। तो अभी चलते हैं, मम्मी को ऊपर से बुलाते हैं क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। फटाफट से नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद से ये सब काम निपटाते हैं। मम्मी ऊपर अभी तक गेहूँ धो रही है, तो मैं सोचा अपने हाथ से पराठा बना लूँ। तो अपने हाथ से तो मैं बना ही लेता हूँ यार, पराठा बनाना मुझे आता है, बस रोटी नहीं उसे बोलना। तो ये देखो हम तो फटाफट से चलते हैं, पराठा बनाते हैं। आपको दिखाते हैं अपना कैसा बना। चावल बनता है वो तो बनाना रहता नहीं, तो ये बहुत फायदा रहता है। तो चलते हो फटाफट से पराठा बनाते हैं, आपको दिखाते हैं पराठा कैसा बना है। तो गाइस एक पराठा मैं रेडी हो गया, ये देख लो, और एक तवे पे अभी। और मम्मी बाहर मिर्चा ले रही, पता नहीं कितना अचार इनको बनाना है। फिर देखो इतना सारा मिर्चा लिया, खुश हो गई। तो गाइस बाहर बहुत तेज धूप है और हाँ उठा रहे। गाइस बाहर बहुत तेज़ धूप है यार, कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इसीलिए बहुत दिन हो गए हम लोगों ने मोटर ब्लॉग भी नहीं बनाया अभी। तो फिर गाइस अभी चलते हैं, अपनी रोटी वोटी बनाते हैं। अच्छा हाँ दे रहे गाइस, चलो मम्मी कोई पैसा से देखते हैं और अभी आप थोड़ी देर मिलते हैं। सो गाइस ये रहा अपना नाश्ता, ये देखो ये गाइस खुद से पराठा बनाया खुद से। तो गाइस चलते हैं फटाफट इसको खाते हैं, और अभी हम लोग को मशीन लगाना है और अपना अलमीरा सेट करना है। तो फटाफट इसको खाते हैं और मशीन में पानी डालते हैं। तो गाइस नाश्ता वाश्ता हो गया और मशीन लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, मैंने पानी डालना स्टार्ट कर दिया है। देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से पानी डायरेक्ट इसमें जा रहा है, और थोड़ा सा कपड़ा मेरा यहाँ पर पड़ा है। तो गाइस सब कपड़ा धुल जाएगा, आपको पूरा एकदम कपड़ा धुल जाएगा और कितना कपड़ा है कपड़ा देखो गाइस। और कपड़ा निकालते हैं अपने इसमें से अलमीरा में से, एक दो शायद इसमें भी गंदे कपड़े हैं, तो उसको बाहर फेंको, बाहर जाओ ये। और बस इतना ही है, हाँ इतना ही होगा। और सब कपड़े साफ हैं, ये देखो मेरे अलमारी का हालत बहुत ख़राब है, अभी इसको भी सही करना है। और गाइस एक और चीज़, जूता भी धुलना है अपने को, जूता अपना जूता, इसको भी पूरा एकदम चमका देना है। तो चलो गाइस फटाफट से उसमें पानी भरते हैं मशीन में और अपना कपड़ा वपड़ा धुलते हैं। सो गाइस मैंने अपना जो शर्ट पहना था वो भी धुलने के लिए डाल दिया, क्योंकि वो भी गंदा हो गया था और एक बैच का कपड़ा गाइस निकल चुका है, अब दूसरा बैच डालेंगे। जा रहा हूँ मैं वो कपड़ा निकालने, क्योंकि 3 बार मशीन चल चुकी है, 3 ही बार चलाया जाता है, मम्मी 3 बार चलाती थी, इसलिए मैं 3 बार मशीन चल चुकी है। अब उसका कपड़ा निकाल के उसको पानी से वॉश करेंगे, उसके बाद उसको छत पे डालेंगे सूखने के लिए। तो अभी चलते हैं फटाफट से उसको निकालते हैं और धुलते हैं यार। गाइस पहले बैच का कपड़ा निकल चुका है, ये देखो इतने थोड़े से कपड़े हैं। और इधर मम्मी ने कहा है कि यहाँ पे जो कपड़ा पड़ा था वो भी डाल दो, मैंने वो भी डाल दिया, और मेरा बस वो एक को कुर्ता पजामा बचा है ब्लैक वाला। तो मशीन को चलाते हैं और यहाँ से इधर चलते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। तो आज मम्मी अभी ऊपर ही कहीं चली गई हैं, क्योंकि जब वो गेहूँ डाल देती है ना तो उनको ना वो सिर्फ ऊपर ही रहती है कि कबूतर ना खा ले, कहती है कबूतर खा ले, क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं, सब छीट उठ देते हैं सब, इसी वजह से मम्मी वहीं ऊपर ही चली जाती है। हर जब भी गेहूँ डालेंगे तब ऊपर ही रहेंगी, पता नहीं क्या है इनका। और गाइस कहती है अभी स्कूल से आई नहीं है, उसका पेपर था आज, देखो शायद 2 बजे तक आ जाएगी। तो गाइस अभी चलते हैं फटाफट से, ये सब कपड़ा वपड़ा धुलते हैं और उसके पास से अभी जूता भी धुलना है और अलमारी सेट करना है, बहुत काम है यार आज। गाइस मैंने थोड़ा मोड़ा कपड़ा धुला, ये देखो, और टंकी में पानी ख़त्म हो गया है, ये सब धुला है, इतना थोड़ा सा और धुलना है। और उधर मैंने कुर्ता अपना डाला, कुर्ता पजामा ब्लैक वाला, बस वही एक है
मैं सोच रहा हूँ ये भी डाल दूँ, सब कुछ डाल दूँ, कोई पहनने के लिए बचा है यार। और ये देखो कौन आ गया, आज तुम्हारा कपड़ा हम धुल रहे हैं, तुम्हारा भी था, तो खुद खुद कुछ करो ये काम दुनिया में, कि सिर्फ बैठे रहना है, सिर्फ बैठे रहना है। हाँ बोलो, अब नहीं बोली निकलेगी, मम्मी को तो बड़ी चढ़ाती है, मम्मी काम नहीं करता है, ये किसका कपड़ा है, दिमाग मत खराब करो। यस कैडी परेशान कर, मजा आया कैडी, ये पेपर देके आ चुकी मम्मी गई अभी छत पे, गाइस अभी पानी भर जाए थोड़ा टंकी में, उसके बाद अपना कपड़ा धुलना स्टार्ट करेंगे और अपना ये जूता भी धुलना यार, और सिर्फ काम ही काम है, काम ही काम है, काम ही काम है। तो गाइस चलो फटाफट से थोड़ा पानी भी भरे टंकी में, उसमें जाके धुलते हैं अपना कपड़ा। तो गाइस लाइट आ चुकी है और हम लोग अब जा रहे हैं अपना ये सेट करने। ये अलमारी का हाल मेरे देख लो यार, क्या बेकार है, सब कपड़े उपड़े निकालने पड़ेंगे, बहुत बेकार हालत है मेरी अलमारी की। मम्मी बहुत दिन से मुझे बोल रही थी कि अलमारी सेट कर दो अपना, कपड़े तो बाहर ही थे, अब मैं मम्मी को और डाडी तो मैं थोड़ा अंदर कर दिया ऐसे मोड़ मार के, तो पानी तो है नहीं, तो तब तक ये अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, ये अब कपड़ा सारा निकालते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं सेट करते हुए। ये रहा मेरा कपड़ा सब, ये अभी तय लगा रहा हूँ, अभी तो उधर धुलने के लिए भी है, ये सब तय लगाना है, और ये आज मैं पहनूंगा वाइट शर्ट और नीचे ये जीन्स, और इधर अभी थोड़ा सा साफ सफाई मैंने किया है, तो अभी फटाफट से इन सबको तय लगाते हैं, उसके बाद रखते हुए आपको दिखाते हैं। तो चलो फटाफट से इसको तय वो लगा देते हैं। फाइनली अलमारी सेट हो गई है, इधर का सारा कपड़ा गायब और ये इधर आ गया है, और दिन बाद अलमारी सेट हुई है, मस्त गाना ना सुन के अलमारी सेट कर रहा था गाइस, तल्हा अंजुम बेस्ट रैपर गाइस, क्या मस्त गाना लिखता है यार, वही सुनना था गाइस, बहुत मज़ा आ गया। अभी मैं चलता हूँ अपना ये वाइट वाला शर्ट जो है मुझे प्रेस करना है, ये बहुत चुभ रहा है, मैं वैसे प्रेस तो करता नहीं है लेकिन मम्मी बोलती कर लिया करो, बहुत ज़्यादा मुझे सिला रखा है, मम्मी कहती है कि घड़े में से निकाल के पहने हो क्या, तो वही है, तो उसको चलते हैं फटाफट से प्रेस करते हैं, पानी पता नहीं कब आएगा यार, चलो फटाफट से इसको प्रेस करते हैं, उसके बाद नहाने का भी टेंशन है, देखो कब तक पानी आएगा तब नहाएंगे, चलो फटाफट से इसको प्रेस कर लेते हैं। फाइनली मेरा सब काम हो गया है, मैंने मशीन से सारा कपड़ा वपड़ा निकाल दिया है, जूता उधर देखो धुल के रख दिया मैंने, और ये कपड़ा प्रेस कर दिया, अभी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया था, वो जो एक्सटेंशन था वो जल गया, ऊपर में गया, ये जो थ्री प्लग है ना, ये जो है एक्सटेंशन ही में लगता है और ये इसमें नहीं लगता है, क्या रे ये देखो, ये मम्मी गई अभी किसी को लेने, कहाँ गई मम्मी, आसमां पुक लेने गई है, कोई घर में मेहमान आ रहे हैं हम लोग के, तो गाइस चलते हैं फटाफट से जा रहे हैं नहाने गाइस, अभी जाके पानी आया तो सोच रहा हूँ फटाफट से जाके नहाऊँ वालू, तो चलो फटाफट से नहाते हैं और उसके बाद भी आपको आके मिलते हैं। सो गाइस ये आज का दूसरा दिन है गाइस, कल रात हुई जिससे मैंने ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाया, और आज ये देखो रोटी कौन बनाया, आज मम्मी गई हैं बाहर, जो आई उनका हाथ दिखाने, तो आज ये रोटी कैटी बना रही है, अल्टी इतना काम तुम कर रही कैटी, और कैटी ओ आज कैटी रोटी बनाई, आपको दिखा रहा हूँ अच्छी बन गई आज इसकी रोटी, ये देखो ये पराठा और ये वो बैंगन की सब्जी, तो चलो इसको खाते हैं, और आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ हलवा निकालने और हलवा खाने, जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए।